हेलो, मैं हूँ आद्रिका। मैं कहानियाँ सुनाऊंगी। कहानी का शीर्षक है हमारे जमाने में सिनेमा देखने का मजा। उन दिनों हमारे शहर भोपाल में फिल्म से ज़्यादा दिलचस्प दृश्य हॉल के बाहर दिखते थे। फिल्मों के शौकीन पहले ही दिन फिल्म देखने की कसम खा रहते थे। कुछ उनसे भी वीर होते थे जो पहले दिन पहले शो देखने में का बीड़ा उठाए रहते थे। ऐसे में टिकट खिड़कियों पर युद्ध होता था। हर आदमी अपने आप में एक सेना होता था और वह बाकी सारी सेनाओं से लड़ रहा होता था। ऐसे में अक्सर टिकट पाने की कीमत पैसे के अलावा कमीज के बटन, कभी कभी तो पूरी कमीज, जूते, चप्पल और ना जाने किस किस से चुकानी पड़ती थी। आदमी टिकट की लाइन में पूरे कपड़े, दोनों पैरों में जूते या चप्पल के साथ घुसता और बाहर बिना कमीज के सिर्फ एक पैर में चप्पल, एक चप्पल के साथ राजा सांगा की तरह जख्मों से भरा लौटता था। और जरूरी नहीं था कि उसके हाथ में टिकट भी हो। कई समझदार योद्धा तो कमीज, बनियान और जूते चप्पल उतार कर युद्ध भूमि में उतरते थे। क्योंकि बहुत सारे सिनेमाघर उन दिनों एयर कंडीशन नहीं होते थे, इसलिए कई लोग इस तरह सिनेमा भी देखते थे। चश्मा पहनने वाले उस युद्ध में हिस्सा नहीं लेते थे। उस घमासान में चश्मे का टूटना तय था। टिकट मिल भी गया तो फिल्म कैसे देखेंगे। सबसे अनोखे वे लोग होते जो पूरी भीड़ में ऊपर से बाज की तरह उड़ते हुए सीधे टिकट खिड़की पर झपट्टा मारते थे। उतने ही अनोखे वे होते थे सांप की तरह लोगों के पैरों के बीच से रेंगते हुए खिड़की तक पहुंचते थे। बुकिंग क्लार्क इस देव आनंद से टिकट बेच रहा होता था जैसे भगवान का कोई दूत हो। फिल्म हीरो हीरोइन के बाद शहर में वही हीरो होते थे। उसमें जिनकी जान पहचान होती थी वह लोग शहर में गर्दन अकड़ा कर शान से चलते थे। सिनेमा घर के अंदर अक्सर सीटों पर मूंगफली के छिलके, गुटके के छींटे, गुटके के रैपर और ना जाने क्या क्या चीज़ें होती थी। उन एक सिनेमा घर के खटमल इतने मशहूर थे कि लोगों ने उसका नाम ही खटमल टॉकीज रख दिया था। टूटी सीटों पर बैठना एक हुनर होता था। सीटों पर नंबर होते थे, फिर भी सीटें के लिए लड़ाई होती थी।